बाल्को प्रबंधन ने कोरबा जिले के ग्राम सतरेंगा और गौरबोरा के ग्रामीणों को धान कुटाई और आटा चक्की मशीनों की सौगात दी। बाल्को की मदद से आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सभी ने बाल्को के सामुदायिक विकास कार्यों की दिल खोलकर सराहना की। बाल्को के सामुदायिक विकास विभाग ने स्व सहायता समूह अंकिता के माध्यम से गौरबोरा और स्व सहायता समूह सरमंगला के माध्यम से सतरेंगा में आटा चक्की और धान कुटाई के लिए मशीनें उपलब्ध कराई हैं। मशीनों की स्थापना पर आने वाली लागत का 80% हिस्सा बाल्को ने वहन किया, शेष 20% राशि स्व सहायता समूहों ने उपलब्ध कराई। ग्राम गौरबोरा और सतरेंगा में स्थापित मशीनों से ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई है। गौरबोरा में स्व सहायता समूह अंकिता के माध्यम से बाल्को प्रबंधन से मिली मदद पर अजगर प्रहार क्रमांक 1 के जनपद सदस्य श्री अमर सिंह कंवर और ग्रामीण श्री चमरा सिंह ने बताया कि इससे महिलाओं के समूह को रोजगार तो मिला ही है, अब क्षेत्र के ग्रामीणों को काफी सुविधा हो गई है। बाल्को द्वारा हमला मिली और द्वारा लगाए के मिस्त्री के और हमला सिखाए के पूरा खर्चे उठाएगी लगा के हमला पूरा देख लेंगे और चला के भी सीख लेंगे। पर हालत के साथ में हमला समूह का बढ़िया सहयोग करके हमारे समूह आगे उठी और प्रशांत में समूह के सहयोग के साथ में एक आदमी ला रोजगार भी मिले। बालकोला अच्छा मतलब श्रेय दिया था हमारे तरफ से। सतरेंगा में स्व सहायता समूह सरमंगला के माध्यम से लाभान्वित होने वाले ग्राम कुदरीपारा के ग्रामीण श्री चरण सिंह ने बताया कि आटा चक्की और धान कुटाई मशीनों की स्थापना से पहले स्थानीय ग्रामीणों को रुंगरा जाना पड़ता था, इससे अब उन्हें निजात मिल गई है। मशीन दे चक्की भी आटा भी चक्की और बढ़िया सीधा है हमला और गाँव वाला मन बढ़िया कुटवाए आते हम जात रहे रुंगरा कुटवाए पर तो ऊपर ले हमला बढ़िया सीधा मिल गई तब सीधा मिल गई तो बढ़िया यहाँ गाँव वाला ने कुटवाए आवा था बढ़िया मिस्त्री भी दे बाल्को वाला वो यह पूरा फिट करके दे बताइस कैसे चलाना है इसे चलाना है सब लवला नियम धारा बता है। सतरेंगा के सरपंच प्रतिनिधि श्री धन सिंह और सोनगुढ़ा के सरपंच प्रतिनिधि श्री मान सिंह कंवर ने बताया कि बाल्को प्रबंधन क्षेत्र के सामुदायिक विकास में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है। जो आज हमारे गांव में बाल्को उन्नत परियोजना के माध्यम से जो मैंने हालत चक्की लगी वो हमारे गांव के मतलब बहुत सुविधा हुई काबर की हमन यहाँ ले करीब करीब 25-30 किलोमीटर रुमगड़ा धान कुटवाए जाए लग पड़ी काबर की आजकल गाँव में लेबर तो मिले नहीं धान कुटाई पर और का मतलब हमेशा कुछ भी कार्यक्रम सामाजिक उत्सव नर नहावन या शादी पर भी हो
तो माने ट्रैक्टर वगैरह गाड़ा पीछा करके जाल पड़े बरसात में अकस्मत कोई काम आ जाए तो बड़ा दिक्कत होता है। कम से कम काम आ जा पालकों के माध्यम से लगी समूह लगी हालत में तो बहुत सुविधा हुई। गाँव को मतलब बहुत माने खुशी है और हम तो यही चाहते हैं कि बालकों के माध्यम से सामुदायिक विकास में बराबर भागीदार बने रहे। अभी हम बालकों के माध्यम से समूह के माध्यम से बालकों हालत में देश आवे एक बार हम बहुत खुशी आवे जगह से हमारे दूर दराज जा रहे धान उन कुटाए ला गेहूँ पिसाए ला और हमारे समय के ही बचत हुई गाँव में मतलब पिसाई हो जाते तो हम लोग में मतलब बहुत खुशी है और हमारे जो समय है अगर बचत हुई संदेश ही है मतलब सामुदायिक विकास इतना बढ़िया अभी हमारे क्षेत्र में लागू हुई से बालकों के तो बहुत अच्छा है। बालको प्रबंधन और नाबार्ड ने वर्ष 2007-08 से स्व सहायता समूहों के गठन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। एक समूह में महिलाओं की संख्या लगभग 15 होती है। बालको के सामुदायिक विकास विभाग की ओर से गठित 100 समूहों में से 35 समूहों को पापड़ एवं अचार उद्योग, वर्मी कंपोस्ट, बकरी पालन और सब्जी उत्पादन जैसे कार्यों से जोड़ा गया। स्व सहायता समूह अपनी आमदनी की बचत बैंकों के माध्यम से करते हैं। आय व्यय का लेखा जोखा समूहों के द्वारा रखा जाता है।